ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। बिरला ने देखी अबू धाबी की शेख जायद ग्रैंड मस्जिद और मस्जिद की खूबसूरती की। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने जमकर सराहना की, जमकर तारीफ। मस्जिद में दिखती है कई सभ्यताओं की समृद्ध संस्कृति की झलक। स्पीकर बिरला ने मस्जिद के बारे में विस्तार से जानकारी भी ली। स्पीकर बिरला के साथ भारतीय संसदीय दल ने भी मस्जिद को देखा। लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी राजीव दत्ता भी इस दौरान ओम बिरला के साथ मौजूद रहे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मस्जिद में कई सभ्यताओं का मिलान दिखाई दिया। स्पीकर बिरला ने मस्जिद के बारे में जानकारी ली। संसदीय दल ने भी मस्जिद को देखा, मस्जिद के बारे में जानकारी ली। लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी राजीव दत्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। और ये अबू धाबी की शेख जायद ग्रैंड मस्जिद है, जिसकी खूबसूरती को निहारने के लिए, जिसकी जानकारियां जुटाने के लिए वो यहां पहुंचे थे। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात की संसद को संबोधित करेंगे, ये कार्यक्रम उनका था और इसलिए वहां पहुंचे भी थे। विशेष सत्र का आयोजन किया गया था। बाकायदा जिस तरीके से ये तस्वीरें आ रही हैं, न सिर्फ रिश्तों की मजबूती को बयां करती हैं, बल्कि जब ओम बिरला वहां पहुंचे तो एक एक चीज के बारे में बारीकी से जानकारी उन्होंने जुटाई। मस्जिद के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उनके साथ डेलीगेशन मौजूद, भारतीय संसदीय दल उनके साथ मौजूद। उन्होंने भी मस्जिद को निहारा और उसके बारे में जानकारी। और कल का दिन राजस्थान के लिए बड़ा रहने वाला है, क्योंकि कोरोना के बाद कल प्रदेश के लिए सौगातों का दिन होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल राज्य का बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर ऐलान किया और कहा कि कल सुबह 11 बजे मैं साल 2022-23 का बजट विधानसभा में पेश करूंगा। मुझे आशा है कि बजट प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर खरा उतरेगा। प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया जाएगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम किसान, मजदूर, युवा, महिलाओं, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और आमजन सहित सभी वर्गों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री गहलोत ने अधिकारियों के साथ फोटो भी खिंचवाई और कल का दिन वाकई में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि कोरोना के बीच में ज्यादा फोकस स्वास्थ्य सेवाओं पर रहा, लेकिन कोरोना अब जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कल कृषि बजट अलग से पेश किया जाएगा, इसलिए कृषि बजट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने खुले मंच पर कहा कि जो मांगा जाएगा वो दिया जाएगा, तो क्या सभी की कसौटियों पर यह बजट खरा उतरेगा? मुख्यमंत्री खुद ये उम्मीद जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हम किसान, मजदूर, युवा, महिलाओं, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, यहां तक कि आमजन सहित सभी वर्गों की उम्मीदों पर कल बजट के जरिए खरा उतरेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री गहलोत ने अधिकारियों के साथ फोटो भी खिंचवाई। और ये बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि अगला बजट जब आएगा, अगले साल जब आएगा, तो वो साल होगा चुनावी साल। ऐसे में आचार संहिता लगने की वजह से और बजट को एग्जीक्यूट करने में वक्त लगता है और जो घोषणाएं होती हैं वो धरातल पर उतनी मजबूती से कारगर साबित नहीं हो पाती, जिससे कि एक अलग तस्वीर बनाई जा सके। और इसलिए इस साल का बजट 2023 की रूपरेखा को भी तैयार करेगा। हालांकि मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि 70% बजट घोषणाओं को, या कहें कि चुनावी घोषणाओं को पूरा किया जा चुका है। 30% बजट घोषणाएं बची हैं, उनको भी पूरा किया जाएगा, चुनावी घोषणाओं को पूरा किया जाएगा। और इस बजट पर फोकस इसलिए भी ज्यादा क्योंकि इसे मानकर चलिए कि 2023 को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया और इससे फायदा ये होगा आम जनता को कि सरकार को वक्त मिलेगा, ब्यूरोक्रेसी को वक्त मिलेगा कि इस बजट में जो भी घोषणाएं की जाए उनको धरातल पर 100% एग्जीक्यूट किया जाए। और यही वजह कि मुख्यमंत्री गहलोत कल बजट पेश करेंगे 11 बजे विधानसभा के अंदर, लेकिन आज उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसानों के लिए अलग से कृषि बजट को पेश किया जाएगा।
वो आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास रखते हैं कि किसान, मजदूर, युवा, महिलाओं, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, आमजन सहित सभी वर्गों की उम्मीदों पर कल का बजट खरा उतरने वाला है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने अधिकारियों के साथ मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाई। तो क्या वाकई में कल खुलेगा प्रदेश की उम्मीदों का पिटारा, क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत कल पेश करेंगे राज्य का बजट। इंग्लिश मीडियम स्कूल, मिसिंग लिंक, सड़क और नहर मरम्मत, इंदिरा रसोई का दायरा बढ़ाना, पंचायत राज में भर्ती की घोषणा संभव है। वहीं राज्य के बजट के साथ कल होगी एक ऐतिहासिक पहल भी। पहली बार राज्य बजट के साथ अलग से कृषि बजट पेश होगा। हालांकि कितने हजार करोड़ का होगा और किन किन चीजों को ध्यान में रखकर इस बजट को बनाया गया, क्योंकि पहली मरतबा ये बजट पेश हो रहा है। किसानों को कहां कहां राहत मिलेगी, किस तरीके से किसान की आमदनी बढ़े, लागत कम आए, इसके लिए क्या क्या प्रावधान किए जाएंगे, ये कल उस वक्त तस्वीर साफ होगी जब कृषि बजट को विधानसभा के पटल पर रखा जा रहा होगा और मुख्यमंत्री इसको पढ़ रहे होंगे, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य का कृषि बजट पेश करने वाले, क्योंकि एक बजट का हिस्सा है। कृषि से जुड़े प्रदेश के 80 लाख किसानों के लिए पहल होगी। बजट में MSP और कर्ज मुक्त किसान की परिकल्पना की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो क्या कल एक बड़ी घोषणा ये हो सकती है कि निजी बैंकों से जो किसानों ने कर्जा ले रखा है, क्या उसको भी माफ करने की घोषणा कल हो सकती है। इस पर किसानों की नजरें बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों में किसानों की जमीनों की नीलामी हुई, उसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा था। इसके अलावा क्या राजस्थान को सरसों राज्य घोषित किया जा सकता है, ये भी उम्मीद लगाकर किसान बैठा है। क्योंकि बात अगर प्रदेश की करें तो वर्तमान स्थिति में प्रदेश में 40 लाख टन सरसों की पैदावार हर साल हो रही है। तेल, तिलहन, दलहन पर स्टॉक लिमिट हटाने की उम्मीद लगाई जा रही है। सरसों तेल निर्यात से रोक हटाने जैसी घोषणाओं की उम्मीद किसान लगाकर बैठा है, लेकिन कितनी उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरेगा। हालांकि कहा जा सकता है मूल रूप से फोकस किसानों की लागत को कम करना और आमदनी को बढ़ाने पर होगा। उसके लिए जो किया जा सकता है, उम्मीद की जा सकती है कि वो सब इस बजट के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के किसानों के लिए करें। जहां एक तरफ खेती है, कृषि है, तो दूसरी तरफ एक और बड़ा सेक्टर है। वो बड़ा सेक्टर है जो 40% लोगों को रोजगार देता है, वो सेक्टर है MSME। और इसलिए कल जब प्रदेश का बजट आएगा तो क्या उम्मीदों का पिटारा छोटे उद्यमियों को भी तोहफे के तौर में मिलेगा, क्योंकि कमर्शियल बैंकों के किसानों का 2500 करोड़ का कर्ज माफ हो सकता है, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। छोटे उद्यमियों के लिए MSME क्रेडिट कार्ड की भी घोषणा हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो छोटा सेटअप लगाने वाले MSME उद्यमियों को एक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इसके साथ जो कार्ड दिया जाएगा, जो MSME कार्ड दिया जाएगा, उसमें 2 से 10 लाख तक की क्रेडिट लिमिट मिल सकती है। यानी कि अगर उद्यमी को जरूरत है तो वो 2 से 10 लाख रुपए इस क्रेडिट कार्ड से निकाल सकता है। इस सेक्टर को दी जा सकती है फिक्स रेट पर बिजली, यानी कि जो अभी वेरिएबल इंडस्ट्रीज के लिए अलग से है, कमर्शियली अलग है, घरेलू अलग है, एक फिक्स रेट पर क्या MSME सेक्टर को बिजली मुहैया कराई जा सकती है। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि MSME सेक्टर ये लगातार मांग कर रहा है। राजस्थान में बिजली बाकी प्रदेशों के मुकाबले महंगी है, और अगर फिक्स रेट पर बिजली MSME सेक्टर को मिलती है तो यकीनन उसको इससे एक बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा राजस्थान जो क्षेत्रफल के आधार पर देश का सबसे बड़ा राज्य है, और एक बड़ा क्षेत्रफल जहां सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल करके राजस्थान में बिजली के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, तो सवाल यही कि क्या सोलर प्लांट पर सब्सिडी एक बार फिर से शुरू की जा सकती है, क्योंकि उससे सोलर प्लांट लगाने में आसानी होगी और सरकार को ज्यादा बिजली मिल सकेगी। आमजन के लिए महंगाई से राहत का मूल मंत्र दिया जा सकता है। बजट में गहलोत सोशल सशक्तिकरण का संदेश भी दे सकते हैं। बजट में हर सेक्टर के विकास की अवधारणा समाहित होगी, यानी कि हर सेक्टर को कुछ ना कुछ ऐसा जरूर देने की कोशिश की जाएगी जिससे बीते 2 साल में जो मार उन पर पड़ी है उस हिसाब से उन्हें राहत मिले। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मुद्दा रोजगार का है।
तो मानकर चलिए रोजगार की दिशा में भी सरकार कई कदम उठा सकती है, कई घोषणाएं कर सकती है, या जो पीछे घोषणाएं की गई हैं उन घोषणाओं को इस बजट का हिस्सा बनाया जा सकता है और उसके जरिए रोजगार आम आदमी को कैसे मिले, बेरोजगार को कैसे मिले, इस दिशा पर भी कदम उठाने की कोशिश कल के बजट के जरिए हो सकती है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल पेश करेंगे राज्य का बजट और राज्य के बजट के साथ कल होगी एक ऐतिहासिक पहल, क्योंकि पहली बार राज्य बजट के साथ अलग से पेश हो रहा है कृषि बजट। पहले कृषि बजट से जुड़ी डेयरी सेक्टर की बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। पशुओं के लिए बीमा योजना की घोषणा संभव है, अगर ऐसा होता है तो पशुपालकों के लिए एक बड़ी राहत होगी। आरएलडीसी के जरिए सेग्रेटेड सीमन बैंक की योजना संभव है। इसके अलावा एफएमडी, एचएस और बीक्यू तीनों बीमारियों का एक रक्षा टीका मिलने की उम्मीद है। जिन ग्राम पंचायतों या राजस्व ग्राम में दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति नहीं है, ऐसी सभी पंचायतों या राजस्व ग्राम में समितियां खोलने की घोषणा भी संभव। और अगर ऐसा होता है, मानकर चलिए अगर पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर इस तरीके की समितियों को खोला जाता है, तो फिर जो दुग्ध से जुड़े छोटे छोटे उद्योग हैं या फिर किसान हैं, उनको बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रदेश में 5000 नई डेयरी बूथ खोलने की भी घोषणा हो सकती है। डेयरी बूथ आवंटन में महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी और इसे आप विमेन एम्पावरमेंट के तौर पर भी देख सकते हैं, महिला सशक्तिकरण के तौर पर, क्योंकि महिलाओं को इससे न सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होने का भी मौका मिलेगा। पशु खरीद के लिए लोन की दर मात्र 4 से 5% की जा सकती है। अब सोचिए, होम लोन इस वक्त 6.5% के आसपास, जिसे हम सबसे कम ब्याज दर कहते हैं, लेकिन यहाँ उससे भी नीचे की ब्याज दर पर किसानों को या पशुपालकों को लोन मिल सकता है। पशु खरीद के लिए ये दर 4 से 5% के आसपास हो सकती है। इसके अलावा पशुधन खरीद के लिए क्रेडिट कार्ड की भी घोषणा संभव है, यानी कि क्रेडिट कार्ड, जिस तरीके से एमएसएमई के लिए क्रेडिट कार्ड की घोषणा होना संभावित है, जिसमें 2 से 10 लाख के आसपास की क्रेडिट लिमिट हो सकती है, कुछ उसी अंदाज में पशुधन खरीद के लिए भी क्रेडिट कार्ड की घोषणा संभव। हालांकि अगर ऐसा होता है तो उसकी लिमिट कितनी रखी जाएगी और उस पर कितना अगर चुकाया नहीं जाता है तो ब्याज लगाया जाएगा, तमाम सवाल है जो उस वक्त खड़े होंगे, या कहें कि उनका जवाब देना उस वक्त आसान होगा जब इसकी घोषणा हो सके। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल पेश करेंगे बजट, कल पहला कृषि बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री गहलोत। बजट में किसानों, छोटे उद्यमियों को तोहफा दे सकते हैं। कमर्शियल बैंकों के किसानों का 2500 करोड़ का कर्ज माफ हो सकता है, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि निजी बैंकों से, कमर्शियल बैंकों से जो किसानों ने कर्ज लिया और जिसको सरकार अभी तक माफ नहीं कर पाई है, इसकी घोषणा हो सकती है। इससे सरकार पर 2500 करोड़ के आसपास का भार पड़ेगा, लेकिन मुमकिन है कि ये घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर दें, क्योंकि वो हमेशा ही कहते हैं कि किसानों के साथ और किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। इसके अलावा छोटे उद्यमियों के लिए एमएसएमई क्रेडिट कार्ड की घोषणा हो सकती है, जैसा कि हमने पहले बताया कि 2 से 10 लाख तक की क्रेडिट लिमिट इस क्रेडिट कार्ड के जरिए मिल सकती है और इस सेक्टर को फिक्स रेट पर बिजली भी मुहैया कराई जा सकती है। वहीं सोलर प्लांट पर सब्सिडी को भी एक बार फिर से शुरू किया जा सकता है। इसके बाद आपका स्वागत है। बात और सवाल कल के बजट को लेकर, क्योंकि हर किसी के जहन में सवाल है कि कैसा होगा जादूगर का बजट। गांव और किसान को समर्पित ये बजट हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो मानकर चलिए कि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि अगर गांव संपन्न होंगे और किसान संपन्न होगा तो प्रदेश अपने आप संपन्न होगा। आमजन के लिए महंगाई से राहत का मूल मंत्र दे सकते हैं, कृषि के क्षेत्र में लिख सकते हैं नई अवधारणा की इबारत, चिकित्सा, सड़क और शिक्षा में दिखाई देगा नया विजन। बजट में गहलोत दे सकते हैं सोशल सशक्तिकरण का भी संदेश। हर सेक्टर के विकास की अवधारणा जिसमें समाहित हो, रोजगार की दिशा में देंगी नए कदम। कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र के वादों पर मोहर लगाती भी नजर आएगी, जिसके जरिए ये कहा जा सके कि देखिए, जो वादे 2018 चुनाव से पहले किए थे 100% पूरे कर दिए। पूरी कोशिश की जाएगी कि जो घोषणाएं बच गई हैं उन घोषणाओं को इस बजट के जरिए
पूरा किया जाए। सवाल यह है कि कौन होगा गुरु। दरअसल एक कार्यक्रम में गणेश घोगरा ने कहा अशोक गहलोत, माफ कीजिएगा अशोक चांद्रा मेरे गुरु। चांद्रा ने कहा मैंने भी यूथ कांग्रेस में काम किया, पवन गोदारा मेरे गुरु। उल्लेखनीय है कि अभी गणेश घोगरा यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं। गणेश घोगरा से पहले अशोक चांद्रा रह चुके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष। अशोक चांद्रा से पहले पवन गोदारा रहे थे यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, और यही कारण है कि गुरु की महिमा यूथ कांग्रेस में कायम। यूथ बोर्ड चेयरमैन सीताराम लांबा की पदभार ग्रहण कार्यक्रम में गूंजा गुरु शब्द। और बात करते हैं अचमाकन और हरीश चौधरी की अग्नि परीक्षा की। पंजाब में इन दोनों के कंधों पर था कांग्रेस का दारोमदार। एक बार फिर से कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए दोनों की जोड़ी जुटी थी दिन रात काम करने के लिए। प्रभारी के तौर पर हरीश चौधरी ने सत्ता और संगठन के बीच महत्वपूर्ण रोल निभाया, तो वहीं स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर माकन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब पंजाब के परिणाम पर दिल्ली और राजस्थान दोनों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अजय माकन जहां राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हैं, वहीं हरीश चौधरी राजस्थान के दिग्गज नेता जो मंत्रिमंडल विस्तार से पहले राजस्व मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन पंजाब के अंदर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एक स्क्रीनिंग कमेटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जबकि दूसरे प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन बात हरीश चौधरी से शुरू हुई तो बाड़मेर जिले का रुख करते हैं। राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक और तेल ब्लॉक की खोज हुई है। गुड़ामलानी चौहटन तहसील के बीच 542 वर्ग किलोमीटर का ब्लॉक निकला है। गिरियन ऑयल एंड गैस ने सोमवार को इसकी घोषणा की। स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी की फाइलिंग में जानकारी सरकार और डीजी हाइड्रोकार्बन को सूचना जारी की गई है, अधिसूचना जारी की गई है। नए ब्लॉक के लिए ओवरसाइट पैनल भेजने का अनुरोध भी किया गया है। वेदांता लिमिटेड की कंपनी है कैरियन ऑयल एंड गैस, और यह राजस्थान के लिए भी एक सुखद और बड़ी खबर। आरएएस अभ्यर्थियों की उम्मीदों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आरएएस प्री परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने आरएएस प्री का परिणाम पुनः जारी करने के आदेश दिए। विवादित 5 प्रश्नों को विशेषज्ञ कमेटी के पास पुनः भेजने के आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट में जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की अदालत ने आदेश दिए। अंकित शर्मा और अन्य की याचिका पर आदेश दिए गए। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी, अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा, शोभित झाझड़िया और आमिर खान ने पैरवी की। आरएएस परीक्षा के लिए 6,50,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा में 20,102 अभ्यर्थियों को पास घोषित किया गया था। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वास्थ्य और कल्याण विशेषज्ञ संगोष्ठी राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान अहमदाबाद द्वारा इसका आयोजन किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन से वर्चुअल संगोष्ठी को संबोधित किया और कहा कि भगवत गीता को यदि हम जीवन में अपना लेते हैं तो सहज ही स्वस्थ जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जितनी बार पवित्र ग्रंथ को पढ़ते हैं जीवन जीने के उतने ही नए अर्थ मिलते हैं। स्वस्थ जीवन का बड़ा सूत्र यही है कि जो हमारे पास है उसमें संतोष करें, किसी से कोई अपेक्षा ना करें, जो दायित्व दिए गए हैं उनकी पालना करें। और बात करते हैं जमाकन और हरीश चौधरी की अग्नि परीक्षा की। पंजाब में इन दोनों के कंधों पर था कांग्रेस का दारोमदार। एक बार फिर से कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए दोनों की जोड़ी दिन रात मेहनत करती नजर आई। प्रभारी के तौर पर हरीश चौधरी ने सत्ता और संगठन के बीच महत्वपूर्ण रोल अदा किया, तो वहीं स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर माकन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब पंजाब के परिणाम पर दिल्ली और राजस्थान दोनों की निगाहें टिकी हुई। और बात करते हैं लोक परिवहन सेवा की बसों की, क्योंकि प्रदेश में मौत बाढ़ रही है लोक परिवहन सेवा की बसें। आए दिन लोक परिवहन सेवा की बसों से ज्यादातर दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं।
यातायात नियमों की पालना किए बगैर इन बसों का संचालन हो रहा है। सवारियों के चक्कर में ओवर स्पीड समेत कई अन्य लापरवाही सामने आती है। अब लोक परिवहन सेवा संचालकों की मनमानी रोकने के लिए अभियान चलाया गया है। परिवहन विभाग ने इन बसों के खिलाफ अभियान को शुरू किया है और कमाल के बाद देखिए, सिर्फ दो दिन में प्रदेश में करीब 100 लोक परिवहन बसों को सीज कर दिया गया है। आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा परिवहन विभाग का यह अभियान। कम से कम इससे लोक परिवहन बसों के संचालक के अंदर यह डर पैदा होगा कि आप जिंदगियों से खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप नियमों से खिलवाड़ नहीं कर सकते। दो दिन के अंदर 100 बसों को सीज करना यह बताता है कि अगर इसी तरीके से अभियान चला तो ना सिर्फ लोक परिवहन बसें ढंग से चलेंगी बल्कि आमजन की जिंदगी भी सुरक्षित रहेगी। सवाल यह भी कि बाल वाहिनी है या फिर नरक वाहिनी है। बाल वाहिनियों के संचालन में मिल रही रिकॉर्ड गड़बड़ियां, नियमों के विपरीत चल रहे स्कूली वाहनों के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई। परिवहन विभाग ने कल भी काफी कार्रवाइयां की थी, आज भी जारी रहेगा परिवहन विभाग का यह अभियान। परिवहन विभाग की कार्रवाई से स्कूली वाहन चालकों और संचालकों में हड़कंप मचा हुआ। पुलिस में झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों की अब खैर नहीं, झूठे केस दर्ज कराने वालों पर राजस्थान पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। प्रदेश में इन दिनों बढ़ रहा एससी एसटी एक्ट के झूठे मामलों का चलन, दुष्कर्म के झूठे केस भी काफी संख्या में दर्ज कराए जा रहे हैं। पुलिस की जांच में 40 से 50% ऐसे मामले झूठे पाए गए। आप सोचिए, अगर 100 FIR दर्ज हो रही है उनमें से 40 झूठी। रेंज आईजी की समीक्षा बैठक में डीजीपी ने सभी आईजी को निर्देश दिए हैं, झूठे प्रकरण दर्ज कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि अगर उन पर कार्रवाई होगी तो उसके दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो यह होगा कि पुलिस जो इन झूठे प्रकरणों में अपनी मैन पावर का इस्तेमाल करती है उसको रोका जा सकेगा, उसको बचाया जा सकेगा। और दूसरा, राजस्थान में जो आंकड़ों के जरिए अपराध को चरम पर दिखा दिया जाता है उन आंकड़ों के अंदर भी कमी आएगी। और तीसरा फायदा इसका यह होगा कि जब सही प्रकरण दर्ज होंगे तो उनकी त्वरित जांच पुलिस कर पाएगी, अपराधियों को जल्दी पकड़ पाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।